कैसे हैं दोस्तों, नमस्कार। ONGC की तरफ से जो वैकेंसी आई है JEE के लिए, स्पेशली बात करें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, तो थोड़ा सा मैंने वीडियो बनाया था, बट वो वीडियो में वॉइस की प्रॉब्लम आ गई है, तो डिटेल नोटिफिकेशंस में कर दूंगा। बट जो जितनी पोर्शन में वॉइस की प्रॉब्लम थी, बेसिकली ONGC ने डिफरेंट जोन के लिए रिक्रूटमेंट जारी किया है ऑलमोस्ट हर एक स्टेट के लिए, और उसमें 7 तारीख से अप्लीकेशन शुरू हो रहा है, 28 तारीख तक जा रहा है। और बेसिकली एक्सपीरियंस मांगा नहीं है, फ्रेशर्स लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक स्टूडेंट 3 जगह से मैक्सिमम पार्टिसिपेट कर सकता है, 18 साल मिनिमम है और मैक्सिमम आपका 30 साल है, बाकी आपकी कैटेगरी के हिसाब से OBC के लिए 3 ईयर का, SC और ST के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। और इनफैक्ट इसमें आपका 85% टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा, अराउंड नॉन टेक्निकल का भी 15% क्वेश्चन रहेगा, 80% राइट, 80 और 20 का रेशियो है। पूरे जो सिलेक्शंस का जो वेटेज होगा अराउंड 85% आपके रिटन टेस्ट का होगा, बाकी आपके कुछ मतलब कि अप्रेंटिसशिप का 5% वेटेज है और 10% वेटेज जो आपका रहेगा माइट बी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस का रहता है। तो ये और इंडिया में ऑलमोस्ट हर जगह पे एग्जामिनेशन सेंटर इसके होंगे, इस बात का भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। और अप्लीकेशन स्टार्ट है, आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिविल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में बहुत अच्छी वैकेंसी है यार, और सैलरी स्ट्रक्चर भी आपका बहुत अच्छा है। उन कई सारे ग्रेड में, ग्रेड पे है आपका 29,000 से भी ज़्यादा आपका पेमेंट, बेसिक पेमेंट है, तमाम तरह के अलाउंसेस हैं। तो मैंने आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा, बाकी पूरा वीडियो और देख लीजिएगा, हो जाएगा आई थिंक वेरीफिकेशन। और कल संडे ब्रांच वाइज वैकेंसीज का वेरीफिकेशन मैं करके आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, परेशान मत होइएगा। पता नहीं क्यों माइक में ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से ये समस्या आई, आई विल चेक आउट कि क्यों ऐसा प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। बट ट्राई करूंगा नेक्स्ट टाइम से ना हो, ठीक है। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर द अपडेट, बट स्टे ट्यून्ड विथ इंजीनियर अड्डा और RK सर, और आप लोगों को इसी तरह से JEE से संबंधित जॉब का अपडेट मैं देता रहूँगा। थैंक यू।